तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने टूटर के फूकने की प्रॉब्लम से? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या करें कि जिसकी वजह से आपका टूटर ना फूके, हम अपने टूटर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने टूटर को बचाने के लिए एक ये कैपेसिटर क्या कहते हैं लगाना पड़ता है अपने टूटर पे, स्पीकर पे। स्पीकर पे लगाएंगे तो अपने हमारे जो कैपेसिटर के अंदर दो लैग होते हैं, एक ही होता है बड़ा बड़ा लैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा लैग होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो बड़े लैग का जो टाका है वो क्या कहते हैं हम स्पीकर पे लगाएंगे, और ये हमारे टूटर की वायर है। टूटर की वायर का हम क्या करेंगे, एक तार तो हम स्पीकर पे लगाएंगे और दूसरी जो वायर है हम इस कैपेसिटर पे लगाएंगे। इससे क्या होता है कि इस कैपेसिटर के थ्रू हमारा करंट जाता है और हमारा टूटर फूकने से बच जाता है। अगर हम 8 इंची का स्पीकर लगाते हैं या 8 इंची से छोटा स्पीकर हम किसी पे भी अपने टूटर लगा रहे हैं, तो हमारे को जो हमारा MFD लगाना होता है कैपेसिटर का, वो या तो हम 1 MFD लगा सकते हैं, 2.2 लगा सकते हैं, 3.3 लगा सकते हैं, और 4.7 MFD तक हम इसको अपने टूटर को बचाने के लिए लगा सकते हैं। अगर आपको MFD के बारे में नहीं पता चलता है कैपेसिटर के अंदर, तो हम आपको बताते हैं कि जैसे इस कैपेसिटर पर लिखा हुआ है कि ये 1 MFD है, तो ये हमारा जो कैपेसिटर है इस पर लिखा है 1 UF, इसको बोलते हैं MFD माइक्रो फेरेड। तो ये हमारा 1 MFD है और 63 वोल्ट का है ये कैपेसिटर। और ये साथ ही जैसे कि ये कैपेसिटर है हमारा, ये 4.7 MFD है और 63 वोल्ट का है। और हमें है ना जो कैपेसिटर लगाना चाहिए वो क्वालिटी का लगाना चाहिए, जैसे फ़िलिप्स का कैपेसिटर लगाएं या कैल्ट्रॉन की कंपनी का कैपेसिटर लगाएं, लोकल कैपेसिटर कभी उसमें ट्यूटर पर ना लगाया जाए। दोस्तों, अब ये देख रहे हैं आप स्पीकर जाली के अंदर ही हमारा ट्यूटर लगा हुआ है। अब हम ना बड़े स्पीकर पे देखते हैं कि कौन सा हमारे को स्टर लगाना पड़ेगा, या PF लगाना पड़ेगा, या हमारे को रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ताकि जिसकी वजह से हमारा टूटर फूकने से बचे। अब ये जो स्पीकर है ये हमारा 10 इंची का स्पीकर है, 10 इंची का स्पीकर है, तो इसको चलाने के लिए हमारे पास करंट भी ज़्यादा आ रहा होगा, हाई वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे अपने टूटर को बचाने के लिए, हम एक PF का यूज़ करेंगे, जो ये PF है 105J 450 वोल्ट का है। तो हम यहाँ पर इस PF का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, एक साइड में हम PF लगाएंगे, ये रजिस्टर है हमारी 4.7 ओम, 4.4R7 इसको, या फिर हम 4.7 ओम की रजिस्टेंस ये बोल सकते हैं, जो हमारी 2 वाट की रजिस्टेंस है ये। इसको हम दूसरी साइड में लगाएंगे, हमने स्पीकर के एक पोल पर रजिस्टर लगा दिया है और एक पोल पर हमने PF लगा दिया है, जो हमारा 105 या 450 वोल्ट का है। तो हम क्या करेंगे, ट्यूटर की जो तार है, ट्यूटर की जो तार का एक पोल PF पर लगा देंगे। ये हमारी ना फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को ये लो फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है, जिससे हमारा ट्यूटर बच जाता है। और ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा जो करंट है वो ट्यूटर तक कम आएगा, वोल्टेज जो है हमारी कम आएगी, और इससे हमारा ट्यूटर फूकने से बच जाएगा और क्वालिटी हमारी सेम रहेगी और क्वालिटी भी अच्छी होएगी ट्यूटर की जो। सो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कहते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।